Hello friends, good evening. This is Dilip here and welcome to my channel on Secure Academy. Today we are going to discuss about the most important topic, that is एडोलेसेंस. ओके, और हम एडोलेसेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. हालांकि हमने इस पिछली वीडियो में लगभग इस चैप्टर में ग्रोथ और डेवलपमेंट का हमने टोटल 8 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, सॉरी 8 वीडियो हमने कंप्लीट किया है. ये हमारी नवी वीडियो है और सबसे लास्ट वीडियो है, और आज हम पूरी तरह से 15 नंबर का सेशन कंप्लीट कर दे रहे हैं. टोटल पेडागोजी आपका 60 नंबर का है, जिसमें 15 नंबर आज कंप्लीट होने जा रहा है. बाकी अगले लगभग एक महीने में आपका पूरा सिलेबस पूरी तरह से खत्म होगा, कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सिलेबस जो था ये सिलेबस आपका सबसे ज़्यादा बड़ा था. बाकी अगला जो सेशन, सब एक दो क्लास की वीडियो हैं, जो भी सिलेबस सेशन आने वाले हैं सब एक या दो वीडियो में सब कंप्लीट हो जाएंगे. लेकिन जो सबसे ज़्यादा टाइमिंग कंज्यूमिंग था तो यही था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमें बहुत सारा हमें करना था, ये कंटेंट था हमें पढ़ने के लिए. तो आज फिर स्टार्ट करते हैं, और ये लास्ट सेशन है आपके लिए जिसमें आपका 15 नंबर कंप्लीट हो जाएगा. अगर चैनल पे नए हैं तो जाके पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भैया. ओके, तो चलते हैं सीधा पॉइंट पे. ओके, सबसे पहले हम देखते हैं क्या आज पे डेविड इल्का एंड एडोलेसेंस इज ईगोसेंट्रिज्म. यानी कि अब तक हमने सुना था जो जीन पियाजे थे और मनोवैज्ञानिक थे, वो सिर्फ बाल्यावस्था को ही एगोसेंट्रिज्म मानते थे. यानी कि वो कहते थे कि बालक जो होता है वो बाल्यावस्था में ही एगोसेंट्रिज्म होता है, उसकी दो सेकेंड स्टेज में. लेकिन जो डेविड इल्काइंड है, ये मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि किशोरावस्था भी एक अहम केंद्रिता की अवस्था है, क्योंकि बालक जो इसमें किशोर तो हो जाता है, इसमें जो होता है किशोर तो हो जाता है, लेकिन उसके सोचने समझने की जो क्षमता होती है, उसके जो रिएक्ट होते हैं सोशल में, समाज में व्यवहार करने के, वो एक बालक की जैसे ही रहते हैं, उतावलापन रहता है. आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं. सबसे पहली चीज़ जो इसमें बालक में पाई जाती है वो क्या होती है, क्या होता है बालक, ये इमेजिनरी ऑडियंस होता है. क्या होता है? इमेजिनरी ऑडियंस होता है बालक. यहाँ पे क्या होता है, ऑडियंस होता है, ऑडियंस होता है. ओके, इसमें क्या इमेजिनरी ऑडियंस पाया जाता है. दूसरा क्या, पर्सनल फेबल होता है इसमें. दूसरी चीज क्या है, पर्सनल फेबल होता है. ओके, क्या होता है, पर्सनल फेबल पाई जाती है. पर्सनल फेबल को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत कथा कहते हैं. क्या, व्यक्तिगत कथा. और इसको क्या कहते हैं, सॉरी, इमेजिनरी ऑडियंस क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, काल्पनिक श्रोता या सॉरी काल्पनिक दर्शक कहा जाता है. काल्पनिक दर्शक. ओके, वीडियो को बहुत ध्यान से तुम देखना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन कराने जा रहे हैं, और यहाँ पे एग्जाम में फिक्स आएगा और आता भी रहता है. ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन. सबसे पहले देखते हैं कि इमेजिनरी ऑडियंस क्या होता है, काल्पनिक दर्शक क्या होता है. किशोर तो बड़ा हो जाता है, यानी कि उसकी उम्र जो होती है टीनेज रहती है. टीनेज क्यों कहा गया इसे, क्योंकि 13 से 19 के बीच की जो उम्र है, जितने भी टीन आते हैं, यानी कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 लगने के कारण ही इसको टीनेज कहा गया. यानी कि 13 से 19 साल की जो उम्र है वो पूरी तरह किसमें काउंट की जाती है, आप किशोरावस्था में काउंट की जाती है. और इस समय में बालक में बहुत सारे हलचल होते रहे, क्योंकि प्यूबर्टी स्ट्राइक होती है और उसमें बहुत सारे बदलाव आते रहते हैं, जिसके कारण बहुत से बालक अपने एडजस्टमेंट को लेकर परेशान रहते हैं, उस समायोजन नहीं कर पाते हैं आने वाले वातावरण में. बालक क्या होता है, एक इमेजिनरी ऑडियंस होता है. यहाँ पे जो किशोर होगा एक ऐसा दर्शक होगा, वो कभी जैसे मान लो कहीं पार्टी में गया, शादी में गया, क्या होगा वहाँ पे अगर कोई आंटी बात कर रही है, कोई भाभी जी बैठ के बात कर रही है आपस में, उसे लगेगा ओहो मेरे बारे में ही बात कर रही है. अपने आप को इतना महत्व देगा कि वो तो बहुत एक यूनिक है, बहुत अद्वितीय है, बहुत सुंदर है, सब उसे पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है. कोई भी बात होगी तो उसे लगेगा मेरे बारे में ही बात हो रही है. कहीं उसके फ्रेंड सर्कल में बात होगी, बोलेगा मेरे बारे में ही बात हो रहा है. कहीं पर रिश्तेदार में गया, वहाँ भी बोलेगा मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं लोग अंदर अंदर से. इसे इस तरह से लगता है, उसे काल्पनिक दर्शक है. इसी को कहा गया है कि इमेजिनरी ऑडियंस कहा गया है. ओके, क्लियर. और पर्सनल फेबल क्या होता है, व्यक्तिगत कथा क्या होता है. इसमें दुनिया की जो सारी प्रॉब्लम्स है, उसे लगेगा दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, किसी की मृत्यु हो रही है, कोई चोट लग रहा है, कोई किसी कारण परेशान हो गया है, उसे लगेगा बीमारी मुझे टच नहीं कर पाएगी, मैं एक यूनिक इंसान हूँ. यानी कि उसे लगेगा खुद मैं ही गॉड हूँ, मैं ही भगवान हूँ,
मुझे कुछ होने वाला नहीं, मैं नहीं मरूंगा, पूरी दुनिया में सब मरेंगे लेकिन मैं नहीं मरूंगा, वो अजर अमर रहने वाला है। इस तरह से अपने बिहेव को रखता है, इसमें क्या होता है, पर्सनल फेबल होता है। हमने समझा इमेजिनरी ऑडियंस और पर्सनल फेबर, जिसमें किशोर क्या होता है, इसी तरह रिएक्ट करता है, उसे लगता है कि बीमारियां मुझे छू नहीं पाएंगी और पूरी दुनिया में जो लोग पसंद करते हैं वो सिर्फ उसे ही पसंद करते हैं। इज दैट क्लियर माई पॉइंट? मूव करें, आई होप समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं अगले पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट कुछ इसमें ईटिंग डिसऑर्डर पाए जाते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर किस में पाए जाते हैं, इसी में पाए जाते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर इसमें कुछ ईटिंग डिसऑर्डर पाए जाते हैं। जो ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं दो चीज़ें होती हैं, जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा बहुत बार आपने सुना होगा। पहला एनोरेक्सिया नर्वोसा होगा, दूसरा बुलिमिया नर्वोसा होता है, दूसरा क्या होता है बुलिमिया नर्वोसा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं इसको। एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, ये दो प्रकार के ईटिंग डिसऑर्डर पाए जाते हैं। क्या होते हैं, दो प्रकार के ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें कोई तो खाना बहुत ज्यादा खाएगा, कोई तो बहुत कम खाएगा। ये जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, ये जो ईटिंग डिसऑर्डर पाया जाता है, ज्यादातर किसमें पाया जाएगा, ये लड़कियों में पाया जाता है, गर्ल्स में पाया जाता है। लड़कियों में क्यों पाया जाता है, क्योंकि लड़कियां क्या करती हैं, यहाँ पर फास्ट रखती हैं। फास्ट मीन्स क्या होता है, उपवास रखना, व्रत रखना जैसे हम कहते हैं, उपवास रखती हैं। उपवास क्यों रखती हैं, वो खुद को दुबली दिखने के लिए, पतली दिखने के लिए फास्ट रखती हैं, उपवास रखती हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा हम कहने नहीं चाहते हैं ऐसे, मतलब कहने का मेरा मतलब क्या है, आई मीन टू से कि जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है लड़कियों में अक्सर पाया जाता है। लड़कियां पतली तो रहेंगी लेकिन फिर भी कहेंगी नहीं मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मैं सामने वाले को प्रेजेंटेशन ऐसा करना है कि मैं बहुत अच्छी दिखूँ। खुद को अपनी बॉडी को मतलब मेंटेन रखने के लिए क्या करती हैं, वो फास्ट उपवास रखती हैं, भोजन बहुत कम खाती हैं जिससे पतली हों, यानी कि कभी कभी इतना कम खाती हैं कि बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है कि उनको बीमार होना पड़ जाता है। तो खुद को अच्छा दिखाने के लिए, अपनी बॉडी को फिटनेस रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए क्या होती हैं, ये एक प्रकार का एनोरेक्सिया नर्वोसा जाता है, ईटिंग डिसऑर्डर है, जो कि लड़कियों में ज़्यादातर पाया जाता है, लड़कियाँ ज़्यादातर करती हैं, उपवास रखती हैं, भूखा रहती हैं, व्रत रखती हैं खुद को पतली रखने के लिए। ओके, अब बात करते हैं दूसरा बुलिमिया नर्वोसा की। ये ज़्यादातर लड़कों में पाया जाता है, ज़्यादातर किस में पाया जाता है, लड़कों में पाया जाता है बुलिमिया नर्वोसा। उसमें क्या होता है, ये भी एक प्रकार का ईटिंग डिसऑर्डर है। इस ईटिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, यहाँ पे बालक भर भर के खाना खाएगा, पेट भर भर के खाना खाएगा, इतना खाएगा कि बाद में जाके वो उल्टियाँ भी करेगा, वो जब हजम नहीं हो पाएगा, नहीं तो टेबलेट भी लेगा हजम होने के लिए, डाइजेशन करने के लिए, क्योंकि डाइजेशन तो कर नहीं पाएंगे, बार बार भोजन खाएंगे। उसे अपनी फिटनेस, अपनी बॉडी को, हेल्थ को मजबूत रखना है, जिम भी जाना प्रारंभ कर देगा। तो बुलिमिया नर्वोसा जो होता है वो ज़्यादातर लड़कों में पाया जाता है, यहाँ पे खाना बहुत अधिक खाया जाता है। और दूसरी बात करें एनोरेक्सिया नर्वोसा की, तो ज़्यादातर लड़कियों में पाया जाता है, वो क्या करते हैं, खाना ही नहीं खाती, बहुत कम खाती हैं। इज दैट क्लियर माई पॉइंट? चलो मूव करते हैं अगले के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं एडोलेसेंस का, इंपॉर्टेंट टॉपिक। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे हैं जो बालक पाए जाते हैं एडोलेसेंस में। क्या होता है, जैसे मोस्ट डिफिकल्ट एज, क्या है ये मोस्ट डिफिकल्ट एज है ये। ओके, मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड है। पॉइंट नंबर वन क्या है, मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड है ये। दूसरी बात कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। ओके, पॉइंट नंबर थ्री की बात करें तो क्या हो, इसमें क्या पाया जाता है, एक ट्रांजिशन स्टेज है। कौन सा स्टेज है, ट्रांजिशन स्टेज, ट्रांजिशन स्टेज। ओके, ट्रांजिशन स्टेज है ये। और क्या कहते हैं इसे, इसमें क्या होता है, एडजस्टमेंट की समस्याएं होती हैं, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम,
एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स। ओके, पॉइंट नंबर फाइव की बात करें, इसमें क्या होता है, ये गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है इसे, गोल्डन पीरियड। ओके, और क्या कहा जाता है इसको, और गोल्डन पीरियड है ये क्या होता है, मूड स्विंग है। क्या मूड स्विंग, मूड स्विंग। ओके, फाइव सिक्स सेवन, हीरो वर्शिप, हीरो वर्शिप पाया जाता है। ओके, लीडरशिप पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लीडरशिप पाया जाता है। थ्रेशहोल्ड टू किसका हुआ, एडल्टहुड का होता है यहां पे। पॉइंट नंबर नाइन क्या है, थ्रेशहोल्ड टू एडल्टहुड। एडल्टहुड इसमें डे ड्रीमिंग्स भी पाया जाता है, क्या है, डे ड्रीमिंग। दस क्या है, डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग। इलेवेंथ क्या है, थॉट्स जो होते हैं हमारे, थॉट्स, थॉट्स बिकम मोर एब्स्ट्रैक्ट, थॉट, थॉट बिकम मोर एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल। क्या होगा, एंड लॉजिकल। ओके, तो कुछ ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है। मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड क्यों कहा गया है, क्योंकि स्टेनले हॉल कहते हैं कि जो किशोरावस्था होती है वो तनाव तूफान और संघर्ष की अवस्था है। बालक में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, बहुत से तनाव रहते हैं। वो अपनी पढ़ाई कर रहा होता है, मान लो वो दसवीं में है, उसे स्ट्रेस रहता है कि तनाव रहता है कि मैं दसवीं का एग्जाम कैसे पास करूंगा, समय बहुत कम है, किस तरह से पास करेंगे, तनाव तूफान हलचल रहता है, कहीं उधर बदतमीजी करके कहीं उछड़ा करके आ जाता है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती रहते हैं। इसलिए इसको मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्यूबर्टी स्ट्राइक होता है। और प्यूबर्टी स्ट्राइक के समय बालक क्या होता है, बालक को यह ध्यान दिया जाता है कहीं इसे गलत लत ना लग जाए, यानी किसी फ्रेंड सर्कल में जाके कहीं उसे जुए की लत लग ना जाए, उसे पीने की आदत ना लग जाए। एक इसलिए बहुत क्रिटिकल एज इसे कहा गया है, बहुत डिफिकल्ट पीरियड कहा गया है। आइडेंटिटी क्राइसिस, इसमें बालक आइडेंटिटी क्राइसिस यानी कि पहचान संकट की होती है, पहचान यानी कि खुद को एक पर्सनल व्यक्ति के रूप में क्या करना चाहता है। एक मिनट गाइस, यस मिनट देखते हैं। ओके, तो पहचान, अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है, लगता है कि लोगों में लोग मुझे पहचाने, मुझे जाने, मेरा नाम हो, इस प्रकार से क्या करता है, वो पहचान बनाने की कोशिश करता है। तो इसे आइडेंटिटी क्राइसिस भी कहा जाता है, इज दैट क्लियर। फिर ट्रांजिशन स्टेज कहा जाता है, ट्रांजिशन स्टेज का मत क्या होता है कि पे परिवर्तन का काल है, यानी कि बालक में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, उसकी दाढ़ियां मूंछ आने लगती हैं, और क्या होते हैं उसके अट्रैक्शंस भी आते हैं। ओके, लड़कियों में इस तरह से क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स भी होते हैं, उसके ब्रेस्ट में थोड़ा उभार आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसमें क्या होता है, परिवर्तन आते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेज भी कहा जाता है। फिर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम क्या होता है, समस्याएँ होती हैं उसको एडजस्टमेंट में, स्वयं को क्या करता है, वो स्वयं को वातावरण से एडजस्टमेंट करने में से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं क्योंकि वह उसमें बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। चेंजेस आने का मतलब है कहीं पे क्या होता है, वो देखेगा कि कहीं जो हमारे समाज में, जो हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में जो चीज़ गलत है, वो हमारे फ्रेंड के समाज में, कल्चर में, संस्कृति में सही है, वो वहाँ सही क्यों है, यहाँ पे गलत क्यों है। कभी कभी उनके बातों पे वो विरोध करता है, और वहाँ से विरोध करने पर क्या करता है, एक बहुत क्रिटिकल माहौल कंडीशन वहाँ पे क्रिएट हो जाती है। इसलिए इसको एडजस्टमेंट में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। गोल्डन पीरियड कहा जाएगा क्योंकि गोल्डन पीरियड इसलिए कहा गया क्योंकि ये सुनहरा अवसर इसलिए होता है, बालक में स्कोप बहुत ज़्यादा रहते हैं, किसी भी दिशा में आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं उसको कहीं किसी फील्ड में बढ़ने के लिए, चाहे वो साइंस फील्ड में जाए, चाहे आर्ट फील्ड में जाए, चाहे कॉमर्स के फील्ड में जाए, बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, स्कोप रहते हैं इसको आगे बढ़ने के लिए, इसलिए इसको गोल्डन पीरियड भी कहा गया है। फिर मूड स्विंग की बात करें, मूड स्विंग यानी कि इसमें क्या होता है, बालक में जो मूड स्विंग होता है इसमें आक्रामक व्यवहार होते हैं। आक्रामक व्यवहार मतलब वही चीज़ कि हमारे जो कल्चर में जो है, हमारी संस्कृति में जो है,
वो चीज़ हमें एक्सेप्ट की जा रही है तो दूसरे संस्कृति में क्यों नहीं की जा रही है, या तो दूसरे के समाज में ये चीज़ एक्सेप्ट की जा रही है तो मेरे समाज में क्यों नहीं एक्सेप्ट की जा रही है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी ट्रांजिशन पीरियड होती है, जो क्या होती है हमारे मूड स्विंग की बात करती हैं। फिर हीरो वर्शिप की बात करें, जो हीरो वर्शिप क्या होती है, वीर पूजा होती है। इस स्थिति में क्या होता है, बालक किसी न किसी व्यक्ति को अपना क्या बोलता है मॉडल मान लेता है। मॉडल मतलब किसी भी किसी को देखेगा, चाहे सलमान खान या अक्षय कुमार किसी को देखेगा, वो जिस तरह से बाल कटा रहे हैं तो उसी तरह से अपने बाल कटाएगा, अपने हेयर स्टाइल रखेगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज रखेगा, अपने खुद को फिट रखेगा, उसी तरह से चलने की कोशिश करेगा कि उसे लगेगा मैं ही खुद हूँ। और यही कंडीशन लड़कियों में होती है, वो कभी अपना मेकअप कराती रहती हैं, फिर अपना क्या होता है फारल अधिक जाती हैं और खुद को अच्छा लगने के लिए, तो हीरो वर्शिप पाया जाता है। या ज़्यादातर कभी देखें तो बॉर्डर पे कभी सुनते हैं कि भगत सिंह बनने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हीरो वर्शिप में आ जाती हैं। फिर लीडरशिप की बात करें तो बालक में यहाँ पे नेतृत्व करने की क्षमता आ जाती है। नेतृत्व करने की क्षमता कैसे आती है, इस तरह से आएगी नेतृत्व करने की क्षमता। आपने देखा है कि बड़े बड़े विद्यालयों में क्या होता है, वहाँ पर छात्र नेता छात्र संघ होता है, इलेक्शंस कराए जाते हैं, तो इस तरह से बालक में ये भी आ जाता है। एक मिनट देख लेते हैं गाइस, एवरीथिंग इज फाइन, ओके। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर थ्रेशोल्ड टू एडल्टहुड, मान कि ये क्या है, वयस्कावस्था की दहलीज है। थ्रेशोल्ड टू एडल्टहुड वयस्कावस्था की दहलीज इसलिए क्योंकि बालक जब 21वीं अवस्था खत्म होने वाला था वो तुरंत ही वयस्कावस्था में क्या करता है, प्रवेश करता है। फिर डे ड्रीमिंग, यानी कि डे ड्रीमिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर दिवा स्वप्न होता है, बालक बैठे बैठे बहुत स्वप्न देखेगा, उसे लगेगा अरे यार कि मैं ये बन गया हूँ, मेरे पास कार होगी, मेरी अच्छी बीवी होगी, मेरे लोग सब जानेंगे, मेरे नमस्कार करेंगे, समाज में मेरा नाम होगा। तो ये डे ड्रीमिंग्स हो जाती हैं, क्योंकि मतलब ख्याली सपने होते हैं उसके जो होते हैं। फिर उसमें क्या, थॉट बिकम मोर अब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल, जो उसकी थिंकिंग पावर होती है बहुत ज़्यादा अमूर्तता पाई जाती है इसमें। बालक में सोचने समझने की जो क्षमता होती है किशोर में बहुत अधिक लेवल पे हो जाती है, बहुत हाई लेवल पे चली जाती है, और किसी भी चीज़ को आसानी से समझ पाएगा। जैसे क्या होगा, उसे ये पता चल जाएगा कि बर्फ आखिर पानी बन जाता है, पानी को अगर गर्म करो, थर्मल डिग्री में कर दो, वो बर्फ बन जाएगा वापस। ये सारी या न्यूटन का नियम, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसे पता चलेगा कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।